Hello all, welcome back to our channel. So in this video I'm going to tell the important questions, syllabus and how the paper will come for the Hindi student, those who are having Hindi subject in their semester 1. And this video is important for all the universities in Telangana state, especially for Usmania University students. So in this video I will add the voice note of an expert faculty, Hindi faculty, to know you all, to get the important questions of your Hindi subject and how the question paper will come and how you should answer the questions in the examination. All this content will be there in this video. So don't skip the video and watch till the end to know your important questions. Okay. So first I will show you your syllabus content of your Hindi subject. Once check that syllabus content. This is your syllabus. And once listen this voice note carefully, and this voice note is enough for expert faculty, Hindi faculty, and she will tell the important questions of your Hindi subject. Okay. Beta ji, this question paper for only revision. Okay, already I have sent one question paper and this is the second question paper. Just for revision ke liye ek bar pad lijiye, uske baad start kijiye padhna. ओके बेटा, एंड मॉडल पेपर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट द मॉडल पेपर, इजी आएगा एंड यू कैन राइट. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक बिट नंबर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बिट नंबर अच्छे से क्लियरली होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, दिख कर आना चाहिए बिट नंबर, नहीं तो आंसर कैलकुलेट नहीं होगा. ओके, एंड बिट नंबर लेफ्ट साइड मार्जिन के पास डालते हैं वहाँ पर, और पेज के मिडिल में भी डाल सकते हैं आप और एक बार दिखने के लिए. ओके, उसके बाद प्रोज में क्या पढ़ोगे, फाइव लेसन्स प्रोज, फाइव लेसन नॉन लिटरल. सो प्रोज में संदर्भ एंड सारांश, नॉन लिटरल में चरित्र चित्रण एंड सारांश. ओके, एंड शॉर्ट आंसर्स भी देगा ना बेटा, शॉर्ट आंसर्स प्रोज, नॉन डिटेल एंड ग्रामर तीनों में से मिला के देगा. तो आप लोग लिख सकते हैं ग्रामर के फोर आंसर्स, लिंग वचन काल कारक पढ़ लिया, वो कंपलसरी एक दो तीन तो देता ही, और एक दो शॉर्ट आंसर जो भी इजी लगे वो उसको अटेम्प्ट कर लिए, तो वो फोर फाइव जो भी पूछेगा शॉर्ट आंसर हो जाएगा. एंड शॉर्ट आंसर जब लिखोगे तो उसको एक एक घंटा दे सकते हैं, आई थिंक दो घंटे लॉन्ग आंसर्स को, तो अच्छे से साइड रीडिंग जो क्वेश्चन पूछता है, अभी भाभी पार्ट में निहित समस्या क्या है, तो आप उसी को एक क्वेश्चन को ही एज ए साइड रीडिंग रिपीट करके भाभी पार्ट की समस्या बोल्ड हैंड राइटिंग में आपके हैंड राइटिंग से डबल साइज में डालकर उसको एक अंडरलाइन देकर पैराग्राफ चेंज करके एक दो तीन पैराग्राफ में आंसर लिखना. जो भी लिख रहे हो बस थोड़ा सा स्प्रेड खोल कर लिखो ताकि आंसर नीट लगे, लेंथी लगे, ओके, अच्छा लगे. तो शॉर्ट आंसर्स आप लिख सकते हो. एंड बेटा जी, ग्रामर पूरा पढ़ना है, ग्रामर का भी एक आंसर देता है. ग्रामर में एक ट्रांसलेशन में थोड़ा अटकते हैं, वैसे भी हमने क्लास में पढ़ाई है, तो जो हार्ड हार्ड लग रहे हैं उसको एक बार बस पढ़ लीजिए, देख रहे हो आप पेपर में इजी ही देता है. ओके, तो आप लोग पढ़ लीजिए, जो नहीं आ रहे हैं उसको थोड़ा सा एक दो बार पढ़ के छोड़ दीजिए, ठीक है. तो ग्रामर आंसर भी अटेम्प्ट कर सकते हो. उसके बाद बेटा जी, अच्छे से ब्लैक पेन जो भी यूज़ कर रहे हो अच्छे से डार्क वाला यूज़ कीजिए. एंड प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट से एक एक लाइन कोई नहीं देखेगा, ऊपर ऊपर से देखेगा, तो नीट होना चाहिए, लेंथी होना चाहिए, ऊपर ऊपर के साइड हेडिंग, लाइक संदर्भ लिख रहे हो तो प्रसंग संदर्भ व्याख्या विशेषता, सारांश लिख रहे हो तो लाइक लेखक परिचय लेख परिचय सारांश विशेषता, ये हेडिंग्स अच्छी आना चाहिए. लेसन नेम राइटर नेम करेक्ट आना चाहिए. ओके, तो इस तरह
एंड ईच एंड एवरी साइड हेडिंग के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तो हमारा साइड हेडिंग दिखेगा। ओके बेटा, एंड हो सके तो पेपर के राइट साइड में एक छोटा सा मार्जिन ड्रॉ कर दीजिए। लेफ्ट साइड में होगा ही, राइट साइड में भी थोड़ा सा, एक हाफ 1 सेंटीमीटर का, ताकि पेपर अच्छे से दिखे और थोड़ा लेंदी भी लगे हमारा पेपर आंसर। ओके, एंड पूरा आंसर्स अटेम्प्ट करना बेटा, कोई हार्ड नहीं आएगा, वैसे तो सब इजी स्टोरीज है। एंड बिफोर गोइंग टू सेंटर, ईट समथिंग आर ड्रिंक समथिंग एंड गो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होकर या इस तरह स्ट्रेस में कुछ भी आकर जाने की ज़रूरत नहीं है, माइंड काम नहीं करेगा, तो आराम से खाकर या पीकर जाएं और अच्छे से पेपर लिख कर आएँ, नॉट ओनली माई सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स। ओके बेटा जी, ऑल द बेस्ट। That's it guys, I hope that this video is useful to you all and all the very best for your examinations, write well and score well in all your examinations. And if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and stay tuned to our channel. Thank you.